भाई और बंदे नहीं रहे के भट्ठे पे यार, और बंदे बहुत होंगे भट्ठे पे, इसी बात ना है, तू तू अकेला ही रह गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ बात तो खत्म कर, बकवास। भिंडी प्याज है, हरी सब्जी और सलाद, दूध है। परसों सुबह सुबह आवाज आई थी इससे, दुर्रे से, मतलब टायर से, पता तो लग गया था कि कोई दिक्कत है, क्योंकि आवाज का ध्यान रखना पड़ता है ट्रॉली की तरफ। और आज तो बिल्कुल ज़्यादा आवाज़ थी, अभी 3 बजे मैं उठा तो सबसे पहले यही काम ध्यान में तो आवाज़ करने लग गया, कमरे से निकलते ही बहुत ज़्यादा। बैरंग टूट रहा, राड काटो, राड हाथ में लग गई। इसमें आवाज़ तो बहुत है लेकिन साइज बहुत पतला है इस चिट्ठे का, पुराने चिट्ठे में लगाऊंगा। तो भट्ठे पर पहुंच गया हूँ भाई, पुराने चिट्ठे में लगाता हूँ, उनका साइज सही है, जो ये बाद में है ना, बाद में निकली हुई है, इनका साइज कम है, पुरानी में लगाता हूँ। इस चिट्ठे का साइज सही है लेकिन इसमें थोड़ी ना झटका टाइप सी है, काली काली सी, वो काला कोयला लगा हुआ है, देखो ये आ रही है, फिर वो चटका टाइप सा हो जाएगा, वो कमी चटके वाली है, देखो इसका साइज सही है, इसका साइज भी सही है। ये सही लग रहा है मेरे को, इसका भी फिर वही हिसाब है। वो चिट्ठा बहुत बढ़िया जिसमें वो दिखाया मैंने, वो वहाँ पे है, ये जहाँ से कलर भरी थी, इसका कलर लाल लाल सा है, आवाज इसमें भी पूरी है लेकिन पीला कलर है थोड़ा हल्का, देखता हूँ कहाँ लगाऊंगा। ये सही लग रहा है मेरे को, ऐसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है जब गन्ने के खेत में आप चले जाओ ना, तो बड़ी मुश्किल से गन्ना पसंद आता है, फिर भी काना काना गन्ना पाड़ लेने की आपको वो रहती है चुलबुली, फिर भी काला काना गन्ना फट ही जाता है कई बार, तो ऐसे यहाँ मुक्का मारना पड़ता है फिर छाती में। चलो जो भर जाएगा ठीक है, बढ़िया है, एक दिन यहाँ से लेके गया था। इसमें भी मज़ेदार बात नहीं है, इसमें आवाज़ कम है, आवाज़ नहीं है आगे, इसमें आवाज़ नहीं है, यहाँ तक छोड़ दिया था मैंने, यहाँ से ये यहाँ तक एक चक्कर भर लिया था, आवाज़ आवाज़ वाला तो चक्कर भर लिया था मैंने अपने। अभी देखते हैं भाई, दाढ़ी करवा के आया हूँ दिल्ली में, पहली बार 12-13 साल के दिल्ली में पहली बार दाढ़ी करवाई है दिल्ली में, पहले अगर करवाई होगी तो भाई ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार करवाई है दिल्ली में दाढ़ी और कटिंग, करवाता ही नहीं था, मुझे इतना शौक़ नहीं है किसी भी चीज़ों का, जैसे यहाँ पर जैसे ड्रेस है, ड्रेस डालने रहता हूँ, मुझे कोई शौक़ ही नहीं है ड्रेस बदलूँ बार बार, धोई और डाल ली, इसमें क्या लफड़ा ही नहीं है कुछ। अब तो जैसे थोड़ी गर्मी थी, अब सर्दी के मौसम में ज़्यादा ड्रेस से चेंज होंगी, वो दूसरे तीसरे दिन चेंज होती रहेंगी, क्योंकि ना बदबू हो जाएगी कपड़ों में, जैसे पसीना रात को सोते हैं पसीना कई बार आ जाता है, और कभी कई बार काम करते हैं तब भी पसीना आ जाता है, मोटे कपड़ों में बदबू जल्दी हो जाती है यहाँ पे काम में, लेकिन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है तो उनका पता नहीं भाई बदबू होती है नहीं होती है,
लेकिन हमारे काम में जो यहाँ गर्मी भी आती रहती है इस काम में, जैसे भट्ठे के अंदर चले गए रस्सी लगानी पड़ेगी तो उसके अंदर गैस होती है भट्ठे के अंदर, वहाँ पसीना आ जाता है, बदबू हो जाती है कपड़ों में। जब तक आप रस्सा मारोगे तब तक आप पसीने में तर हो जाओगे अंदर से, क्योंकि भाग दौड़ होती है उसमें। तो बालाजी महाराज की कृपा है, मिस्त्री बोल रहा था कि भाई पता नहीं कौन सी शक्ति है तेरे साथ में जो तेरा ये पहिया बच गया गिरने से। अगर पहिया गिर जाता ना तो कम से कम दोनों टायर फटते, रिम भी फट सकते थे, और ट्रॉली यहाँ से फट जाती, यहाँ टायर लगता, धुर्रे का भी नुकसान हो सकता था। जो ये अकेला धुर्रा है ना, ये 37,000 रुपये का है, 12,000 रुपये का, 13,000 रुपये का एक रिम है, और टायर का तो पता ही है 20-18 हज़ार, ये मान लो 15,000 रुपये का अभी लगभग जैसे आते हैं, तो 18,000 रुपये का, 15,000 रुपये का टायर मान लो, 15×30, दोनों टायर ख़त्म हो जाते हैं अगर भैया नीचे गिर जाए। और यहाँ से इंटे होती है भरे हुए में, खाली में भी गिर सकता भैया, तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर इंटों में गिर जाए साथ में कोई गाड़ी वगैरह हो तो बहुत काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। तो भाई बालाजी महाराज की कृपा है, भैया नहीं गिरा। जय बजरंग बली, जय श्री राम, ठीक है ना, कृपा है, कृपा भगवान जी की बनाए रखी है। मेरे साधन ने मेरे को आज तक कभी भी धोखा नहीं दिया, बालाजी महाराज की कृपा है, बाबा दरबारी दास जी महाराज की, बाबा राजपुरी जी महाराज की, सच्चे मालिकों का नाम लेके चलते हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी लगाता हूँ सोच विचार करके कोई भी चट्ठे में, तो फिर भरते हैं, चलते हैं फिर। पता क्या है, कैसे टूटा बैरंग उसमें ना, जो ये टोपी है बार वाली, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, है वो परले टायर की लेकिन मैं इधर वाली दिखा देता हूँ। जो ये टोपी है ना, ये लूज थी, जो जैसे ये आ रहा है ना ऊपर को ग्रीस है ये, तो यहाँ से लूज होकर ग्रीस निकलता रहा बाहर, और मैंने ध्यान नहीं दिया, तार के साथ में उसको बांध दिया, पर मैंने ये नहीं ध्यान किया कि भाई अरे यार इसमें ग्रीस तो चेक कर ले, ग्रीस चेक करना ध्यान नहीं रहा, और जब सूखा चलेगा तो भाई गर्ड मतलब कि रगड़ लगेगी बैरंग पर, और गोलियाँ भी निकल गई और जाली टूट गई, तो उस पर रगड़ लगी हुई थी। वैसे तो वो भी बैरंग चल जाता नई जाली डलने के बाद में, लेकिन फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, वजन का काम है, तो मैं क्या भाई नया ही डाल दे। और यहाँ पे बहुत महंगा बैरंग लगाया है, 1500-1600 रुपये में ग्रीस और बैरिंग आया है। बैरिंग वैसे मैंने ट्रक के हब का डलवा दिया बढ़िया वाला, और मतलब बहुत महंगा लगाया, मेरे हिसाब से तो महंगा लगाया, फिर मैंने बोला ही नहीं कुछ भी, चलो ठीक है डलवा के अपना काम शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बड़ा ध्यान रखो भाई, ग्रीस ना निकले इससे, नहीं तो एक एक साल ग्रीस के, जब वाटर प्रूफ धुर्रे हैं, और ये तो 2 साल तक तो इसकी पूरी प्योर गारंटी है, हिंदुस्तान का धुर्रा है, काला पीड़ा जैसा भी ग्रीस होना चाहिए इसके अंदर, बस बैरंग टूटने का मतलब ही नहीं है, 1 साल तो लमसम चली जाता है बगैर ग्रीस के। मैं करो सारे चट्ठे देख के फिर वहीं लगाया है, कल वाले में ही पतली सही लेकिन ईंट बढ़िया है, मैंने वहीं लगा दिया, पानी पी के पैसे दे के आता हूँ भट्ठे पर। दस दूंगा, रस्सी तो खिंचवाता नहीं रहने दे, मैं वैसे ही दे दूंगा तेना, ठीक है। रस्सी मरवा के गए हैं, वो छोटा सा कह रहा है मैं भी मरवाऊंगा रस्सी और 20 रुपये लूंगा, मैं क्या तू वैसे ही खेलता रहा, 10 रुपये दूंगा तेरे को, फिर वो 10-5 पड़े थे यहाँ 5 दे दिए, मैं 5 कल दूंगा, वो छोरा 20-10 रुपये वो लेता है, बड़े वाला लड़का जो उसके साथ में वो मरवा के जाता है रोज रस्सी, ये 10-20 नहीं दुखते, जब बड़े आदमी 100 रुपये मांगता है, ठीक है ना। ये बच्चे हैं, चलो भाई खा पी लेंगे कोई बात नहीं, इनको देना कोई पाप नहीं है, वही बच्चे हैं बच्चे। तो अभी चलते हैं भाई कमरे की तरफ, तो कमरे पर आ गया हूँ और नहा के फिर आया हूँ मैं, अभी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो चलिए भी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना, तो चलिए ऐसी वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग बली, बहुत कृपा है बाबा जी महाराज की, बालाजी महाराज की, जय बाबा। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।